दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी नॉलेज में। आज इस वीडियो में मैंने DLED फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी विषय के 50 बहुविकल्पी प्रश्न लिए हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। इसमें ऑप्शन आ दिया है जो गलत है। अगला प्रश्न दिया है, उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं। तो इसे कहते हैं स्वराघात। हमारा अगला प्रश्न है, अनुस्वार के बाद यदि प वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। तो इसका उत्तर है म। जब भी प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इनके बाद कोई भी अनुस्वार का व्यंजन आता है तो उसका उच्चारण हो जाता है उस वर्ग का अंतिम वर्ण। जैसे ये लिखा है कंपन, और तो इसे लिखेंगे ये हो गया प वर्ग का अंतिम वर्ड म। हमारा अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो इसका उत्तर है विष्णु प्रभाकर। पांचवा प्रश्न है, काव्य की आत्मा है तो काव्य की आत्मा होती है रस, छंद और अलंकार, अर्थात ये सभी सही उपर्युक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, जमीन पक गई है काव्य संग्रह है। कहीं कहीं पर लिखा रहता है जमीन पक रही है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो। हमारा इस प्रश्न का उत्तर है केदारनाथ सिंह, अर्थात केदारनाथ सिंह की यह काव्य रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, देवेंद्र शब्द में संधि है, तो देवेंद्र शब्द में गुण संधि है। अगला प्रश्न दिया है, तुम अपने कार्य में सफल रहो किस प्रकार का वाक्य है, तो यह एक इच्छावाचक वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ शब्द का अर्थ है, तो स्वच्छ शब्द का अर्थ होता है साफ सुथरा। अगला प्रश्न, सुंदरता शब्द है, तो सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न दिया है, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है, तो मेघदूत कालिदास की कृति है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो सूर्योदय में गुण संधि है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो प्रत्येक, प्रति एक, इसमें पहला पद प्रधान है, पहला पद अव्यय है इसलिए अव्ययी भाव समास है। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, तो अशुद्ध शब्द है इसमें प्रभु, प्रभु ना होकर प्रभु होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आशीर्वाद, दा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है, तो प्रत्युपकार में दो उपसर्ग हैं, प्रति प्लस उप प्लस कार, तो ये दो उपसर्ग हैं उप और प्रति, तो इसलिए इसका ऑप्शन ब सही है। हमारा अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है, तो रेखांकित में तत्पुरुष समास है, रेखा द्वारा अंकित। अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, तो यह एक संदेहवाचक वाक्य है, इसमें संदेह है कि शताब्दी एक्सप्रेस समय पर पहुंचेगी। अगला प्रश्न दिया है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है, उपर्युक्त, अर्थात जो बा ऑप्शन है ये सही है। हमारा अगला प्रश्न, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं, तो पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, सुगम शब्द का विलोम है, तो सुगम शब्द का विलोम होता है दुर्गम। अगला प्रश्न है, रविंद्र शब्द में संधि है, तो रविंद्र में है दीर्घ संधि। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। साकेत हमने आगे ही पढ़ा है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे हम देखते हैं, और जो प्रिय प्रवास है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, और जो पल्लव है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर है कबीरदास जी।
हमारा अगला प्रश्न है, दमक का तुकारांत शब्द है, तो दमक का तुकारांत होगा धमक। तुकारांत शब्द को इंग्लिश में राइमिंग वर्ड बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अगला प्रश्न दिया, अनुस्वार का चिन्ह है, तो अनुस्वार का चिन्ह होता है ये एक बिंदु। अगला प्रश्न दिया है, स्वर को विभक्त किया जाता है, तो स्वर को तीन भागों में विभक्त किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इसका ऑप्शन जो है ये सा दिया तीन, ये सही है। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में स्वर हैं, तो संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या है, तो इनकी संख्या है 46। महाकाव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं सूक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, हितम मनोहार च दुर्लभम वचः सूक्ति किस काव्य की है, तो यह है किरातार्जुनीयम। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो यह है महाभारत। इसमें श्रीमद् भगवद गीता दिया है जो नहीं है। महाभारत विश्व साहित्य का के इतिहास का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है और इसमें 18 अध्याय हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है, तो मनुष्य का अधिकार है कर्म करने पर। भगवद गीता में लिखा है कि मनुष्य कर्म करे, फल की इच्छा ना करे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कर्मेंद्री है, तो वाक एक कर्मेंद्री है। अगला प्रश्न है, हलंत का चिन्ह है, हलंत का चिन्ह होता है ये बा ऑप्शन में जो दिया है, किसी भी वर्ण के नीचे एक छोटी सी लाइन। हमारा अगला प्रश्न दिया है, म इनमें से म के नीचे लगा प्रतीक है, अब ये देखिए माँ के नीचे हलंत लगा है, तो ये लगता है हलंत, तो इसका ऑप्शन बा जो सही है। अगला प्रश्न दिया है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है, तो ये एक आत्मकथा है। ये आत्मकथा किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक हैं, हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा और राहुल सांक्रत्यायन, तो इसमें ऑप्शन जो दा दिया ये सभी है। हमारा अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर क्या है, ये एक आत्मकथा है, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न दिया है, आकाशदीप के लेखक हैं, तो आकाशदीप किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की। हमारा अगला प्रश्न है, मधुशाला मधुबाला मधुकलश की रचनाकार हैं, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ये सारी रचना हरिवंश राय बच्चन जी की है। कनुप्रिया की रचनाकार हैं, तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, विसर्ग का चिन्ह होता है, तो विसर्ग का चिन्ह ये दो बिंदु होते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया है, चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न दिया, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर है इंसानला खां। हमारा अगला प्रश्न, गुनाहों के देवता के लेखक हैं, तो इसका उत्तर होगा धर्मवीर भारती। हमारा अगला प्रश्न, ठेले पर हिमालय के लेखक हैं, तो इसका उत्तर होगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य की विधा है, तो हिंदी गद्य की विधा नाटक कहानी और उपन्यास ये सभी होते हैं, इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। हमारा अंतिम प्रश्न है, कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक हैं, तो इसका उत्तर है अमृत राय।